आज की वीडियो में हम सीखेंगे थाट मारवा। थाट मारवा को बंसी में कैसे बजाते हैं, थाट मारवा से कौन कौन सी राग उत्पन्न होती है। प्रणाम, मैं हूं प्रदीप, स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल प्रदीप कुमार फाइव द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन शिक्षा करना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं और इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और साइड में है बेल आइकॉन, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल में मैं म्यूजिक के कोर्स रिलेटेड वीडियो ही पोस्ट करता हूँ, स्पेशली फ्लूट और कीबोर्ड के ऊपर। इसको आप वोकल वाले भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी का भी नॉलेज देता हूँ। चलिए दोस्तों, आइए अभी देखते हैं राग मारवा क्या होता है, थाट मारवा क्या होता है। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाटों की वर्णन है। वो 10 थाट है बिलावल, खमास, काफी, भैरव, भैरवी, मारवा, तोड़ी, आसावरी और पूर्वी। आज उसी थाटों में से एक राग सीखेंगे, एक थाट सीखेंगे मारवा। मारवा थाट से जन्म होता राग है, राग मारवा, पुरिया, जैत, मलिगोर, ललित, सोहिनी, ऐसे ऐसे बहुत राग हैं। अगर हम इस थाट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम जाएंगे राग की तरफ। राग थाट से जन्य राग है, ये थाट राग से जन्मा हुआ राग है राग मारवा, राग ललित, राग पुरिया, राग सोहिनी, पंचम, भटियार, ये सब राग हैं। ये राग हम बजाएंगे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में। पहले हम सीखेंगे थाट मारवा क्या होता है। देखिए दोस्तों, थाट मारवा एक थाट है जो आरोह अवरोह में कोमल ले और कोमल मध्यम का प्रयोग होता है। शास्त्र में लिखा गया कि थाट को गाया या बजाया नहीं जाता है, लेकिन हम थाट को हम बंसी में प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हमें थाट को गाना या बजाना नहीं है, वो थाट में लगने वाला स्वरों को हमें अभ्यास करना है, इसीलिए थाट के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थाट मारवा, थाट मारवा में लगने वाला स्वर है सा, कोमल ले, गा, शुद्ध गा, तीव्र म, पा, धा, नी, सा। इसमें कोमल ले और मध्यम तीव्र मध्यम का प्रयोग होते हैं, जैसे कि वीडियो के डिस्प्ले में लिख दिया हूं, दिखाई दे रहा है इसका आरोह। पहले तो हमें थाट की आरोह अवरोह प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको समझाने के लिए मैं स्केल लिया हूं लोअर ऑक्टेव फ्लूट एफ, एफ के। आइए अब देखते हैं आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी राग, किसी भी थाट को बजाने से पहले हमें अच्छी तरह से इसके सा को मिलाना चाहिए। ये मैं F स्केल का सा लिया हूं, F स्केल का फ्लूट लिया हूं। आप जिस कोई भी बंसी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी का नोटेशन सेम होगा।
मैं ये एफ स्केल का लिया हूँ, मैं तानपुरा भी दिया हूँ एफ के। तानपुरा आपको कहाँ मिल जाएगा? आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप मोबाइल की प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर तानपुरा सर्च कीजिए, तानपुरा में मिल जाएंगे। उसमें आप आपका फ्लूट जो है उसी को सा करके आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम सा को मिलाएंगे। देखिए सा, तानपुरा में भी सा सुनाई दे रहा है, इसके साथ मैं सा मिला रहा हूँ। सा मिल गया। आरोह लिखते हैं, ये था आरोह अवरोह थाट मारवा के। इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों? पहले तो मैं एक एडवाइस दूंगा, आप एक ताल बजाइए जिस ताल में आपको अच्छा लग रहा है। बेसिकली क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रागों का, राग में ज़्यादातर तीन ताल यूज होता है, इसलिए हम तीन ताल बजाएंगे। वही ताल भी मिल जाएगा आपको मोबाइल के प्ले स्टोर में, वहाँ पर जाइए तालमाला सर्च मारिए, किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसी के साथ ताल तीन ताल क्लिक करके बजाइए। इसका बीपीएम रखिए 100 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रखिए, 100 में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बढ़ाइए। आपका जब अगर ये सेटिस्फाई हो गया, आप अच्छी तरह से उंगली में ये बस गया नोट, तो आप बढ़ा सकते हैं इसका बीपीएम। मैं तीन ताल लिया हूँ। ये जो साउंड सुनाई दे रहा है ताल की, ये तीन ताल बज रहा है 100 बीपीएम में। इसके साथ हम रा थाट मारवा का प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो हम सारे गामा आरोह अवरोह प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोमल ले, कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का यूज हो रहा है। मैं कोमल ऋषभ कैसे बजाते हैं इसका पहले से भी वीडियो दिया हूं, इसका कोमल ले का रियाज कैसे करते हैं इसका पहले से भी वीडियो दिया हूं। आप मेरे चैनल में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, कोमल ले और तीव्र मा कैसे बजाते हैं। देखिए फिर भी शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, यह है सा, यह है आधा, खोलेंगे तो बजेगा कोमल ले, पूरा छोड़ेंगे तो बजेगा तीव्र। बहुत सिंपल है दोस्तों, खाली आपको प्रैक्टिस करना जरूरत है। सारेगामा पादानिसा सानिधपा मागानिसा आरोह अवरोह, इसको हम प्रैक्टिस करने के लिए अलंकार में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मेरे बेसिक अलंकार है सारेगामा पादानिसा, फर्स्ट अलंकार मैं देता हूं क्योंकि ये बेसिक अलंकार है दोस्तों। Thank you.
सरेगा पा रहेसा सरे दफा मारे सा हुआ। एक बीट में एक स्वर बज रहा है, अब एक बीट में दो स्वर कैसे बजाएंगे इसका देखिए। इसमें स्ट्रोकिंग करेंगे, टोंग में भी स्ट्रोक कर सकते हैं। एक बीट में 200 ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब रहा अलंकार नंबर 2, पहले मुंह में प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, ये अभ्यास हो जाएगा। ये मुंह में मन ही मन में इसको अभ्यास कीजिए और फिंगर में ही इसको अभ्यास कीजिए। ये था अलंकार नंबर 2 जिसका नोटेशन आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। अब लिखते हैं अलंकार नंबर 3। Yeah.
गा सा ने रे सा। बंसी बजा बजा के सुर में गाना पॉसिबल नहीं दोस्तों, किसका हो जा रहा है, इसको आप सुर में जाइए, नोट में, नोटेशन में जाइए। ये था तीन अलंकार थाट मारवा बजाने के लिए, थाट मारवा को प्रैक्टिस करने के लिए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ये थाट मारवा के अलंकार प्रैक्टिस हो जाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे राग मारवा को, हम बंसी में कैसे बजाएंगे इसको हम सीखेंगे। दोस्तों थाट मारवा को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।